आखिर किसने ली है अश्वत्थ की जान, किसके पास है 80 अस्त्र और आखिर कहाँ दफनाया गया है अश्वत्थ की लाश को। वेल, ये वो सारे सवाल है जिसके पीछे रानव पागलों की तरह भाग रहा है। रानव को इन सभी सवालों का जवाब चाहिए। वेल, कहीं ना कहीं बेला रानव की मदद करती है। वेल, आधे सवालों के जवाब को ढूंढने में बेला रानव की मदद करती है, लेकिन रानव को ये नहीं पता चल पाता है कि जो कुछ भी रानव को पता चला है अब तक वो कहीं ना कहीं बेला की वजह से हुआ है। अब आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे रानव अश्वत्थ को ढूंढ रहा होता है कि तभी रानव को एक लाश मिलता है। जमीन के गहराई में उस लाश को दफनाया गया था, लेकिन रानव उसे बाहर निकालता है। रानव अपसेट दिखता है। रानव के साथ साथ बेला, मलिका और आदि भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वह रानव को देखकर अब ऐसा लग रहा है जैसे रानव को अश्वत्थ की लाश मिल चुकी है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रानव को अश्वत्थ की बॉडी के साथ साथ मिल पाएगी अश्वत्थ के कातिलों तक पहुंचने का कोई सबूत। रानव असली कातिल से कोसों दूर है, साथ ही राक्षस बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इस राक्षस के पास 80 अस्त्र है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर किसके पास है 80 अस्त्र। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।